नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। वक्त हो चला है आज की ग्लोबल रिपोर्ट का। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम है उदय निधि स्टालिन, वो भी कुछ इसी राह पर निकल पड़े। पहले सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की बात कहते हैं और फिर तर्क ये देते हैं कि उन्होंने पेरियार, अन्नादुरई और करुणानिधि जैसे नेताओं की विचारधारा को ही दोहराया है। वो कहते हैं महिलाओं को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें घर से बाहर जाने की आजादी नहीं थी और अगर उनके पति का निधन हो जाता था तो उन्हें मरना पड़ता था। पेरियार ने इस सब के खिलाफ आवाज उठाई थी। मैंने भी वही कहा है जो पेरियार, अन्ना और कलाईनार ने कहा था। उदयनिधि स्टालिन को पता होना चाहिए कि मोदी के दौर में महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं। महिला सशक्तिकरण का ऐसा दौर आज से पहले हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ढकियानूसी सोच रखने वाले उदयनिधि सनातन की तुलना जब डेंगू और मलेरिया से करते हैं तो असल में क्या कह रहे होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं, वो बयान देते हैं कि सनातन धर्म डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोरोना जैसा है जिसका हमें विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि उसे मिटा देना चाहिए। दरअसल ये बयान देकर उदयनिधि अपनी घृणित सोच सबके सामने रखते हैं। महिलाओं के नाम पर आप सनातन को गाली दे रहे हैं और जब आपसे माफी मांगने को कहा जा रहा है तो हेकड़ी दिखाते हुए कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। खैर, उदयनिधि की सोच की एक और नजीर आप देखिए। उन्हें सनातन से तकलीफ तो है ही, भाषा से भी है। जूनियर स्टालिन कहते हैं कि मैं नवविवाहित जो लोग हैं उनसे कहूंगा कि वो अपने बच्चों के लिए एक सुंदर तमिल नाम रखें, क्योंकि कई लोग तमिलनाडु में हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप उदयनिधि बताएंगे कि कौन अपने बच्चे का नाम क्या रखे, कैसे रखे? आजाद हिंदुस्तान में अब नाम पर भी क्षेत्रवाद और भाषावाद का दबदबा रहेगा। यह सोचने वाली बात है कि क्या भाषा का कोई दायरा भी हो सकता है? क्या हिंदी सीखने से लोग तमिल भूल जाएंगे? ऐसे तो आपको इंग्लिश का भी विरोध करना चाहिए, आपको इंग्लिश पर रोक लगाने की बात कहनी चाहिए। आप खुद कई बार इंग्लिश में बात करते होंगे, जब आप अंग्रेजी बोल रहे होते हैं तब क्या आपको तमिल का ध्यान नहीं आता है? क्या आपको अंग्रेजी तमिलनाडु की क्षेत्रीय भाषा दिखाई देने लगती है? जब आप अंग्रेजी से नहीं चिढ़ते हैं तो हिंदी से क्यों चिढ़ते हैं? हिंदुस्तान में जितनी अहमियत हिंदी की है उतनी ही तमिल की है, तेलुगू की है या फिर कोई अन्य भाषा है उसकी है, हमने तो कभी नहीं कहा। लेकिन आप अपनी राजनीति को चमकाने के लिए भाषा विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं और लोगों को बरगलाते हैं। हालांकि उदयनिधि ही नहीं, और भी नेता हैं जो जमात को बरगलाने में लगे हुए हैं। ओवैसी भी उन्हीं नेताओं में से एक है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में धार्मिक उन्माद की कोशिश में जो लोग थे उनमें से AIMIM के नेता भी सामने आए हैं। पुलिस ने बवाल के बाद 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें से AIMIM की यूथ इकाई के जिलाध्यक्ष रमीज माविया उस्मानी, नगर अध्यक्ष आजम जैसे लोगों के नाम शामिल हैं। इन्हीं लोगों ने 19 अक्टूबर को व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑडियो भेजकर भीड़ को उकसाया, भड़काया या अफवाह फैलाई कि अखिल त्यागी, जिसने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया, उसे गिरफ्तार करके पुलिस ने छोड़ दिया। इसी अफवाह के बाद खास किस्म की भीड़ ने हिंसा का रास्ता अपनाया और मामले को सांप्रदायिक रंग देते हुए माहौल खराब करने की कोशिश की। ये तो एक उदाहरण है। हैदराबाद, जहां से खुद ओवैसी चुनकर आते हैं, वहां भी हजारों मुसलमान सड़कों पर उतरकर लब्बैक लब्बैक और सर तन से जुदा के नारे लगाते नजर आए हैं। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी पर भड़की भीड़ एक घर के बाहर पहुंच गई, खूब उत्पात मचाया गया, रात भर हंगामा हुआ। हम यहां किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, किसी भी धर्म या जाति विशेष पर टिप्पणी करना पूरी तरह से गलत है, हम ये मानते हैं। लेकिन लोगों को भड़काना, सड़कों पर उतर कर तांडव करने की नसीहत देना, उनसे करवाना, क्या सही है? क्या इस देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है क्या? तो क्या अब इंसाफ सड़कों पर सर तन से जुदा करके होगा? धर्म के नाम पर उन्मादी भीड़ जो किसी को भी मारने को उतारू है सिर्फ सियासत साधने के लिए तैयार करना कितना सही है, कितना गलत है, हम ये अपने दर्शकों के विवेक पर छोड़ रहे हैं, आप खुद ही डिसाइड करिए। एक तरफ जहां देश में धर्म के नाम पर आपस में ही लोग लड़ भिड़ रहे हैं, वहां एक तस्वीर अमन चैन की गवाही देते हुए थोड़ा सुकून दे रही है। गलवान घाटी में हुई झड़प के बीच जो है चीन और हिंदुस्तान के बिगड़े संबंध अब पटरी पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि ये स्थिति अपने आप में बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि सालों बाद वो मौका आया है जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग एक साथ एक टेबल पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं।
ये तस्वीर अमेरिका जैसे देशों को बहुत चुभ भी रही होगी, इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोग ये सवाल पूछने भी लगे हैं कि चीन पर भरोसा करना कितना सही है। हालांकि ये सवाल गलत नहीं है, लेकिन जब बात अपने हितों की लेकर हो रही हो तो पहल करने में और आगे कदम बढ़ाने में क्या ही दिक्कत हो सकती है। चीन के साथ हमारा अनुभव पिछले कुछ वक्त से अच्छा नहीं रहा है, ये बात सच है। लेकिन कहा जाता है कि आप अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते। चीन हमारा पड़ोसी देश है, रशिया के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और चीन और भारत को दोबारा साथ लाने में उसने अपनी भूमिका भी अदा की है। ऐसे में चीन अगर सही लहजे में हमसे बात करता है तो हम भी बात कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। जब गलवान में झड़प हुई थी तो भारतीय सैनिकों ने अपना दमखम दिखाया था, ये साबित कर दिया था कि हम किसी से कम नहीं है। हालांकि एक बात गौर करने वाली ये भी है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से दुनिया भर में अपनी अहमियत बढ़ाई है, देश को आगे बढ़ाया है, वो काबिले तारीफ है। भारत की नीति हमेशा से अमन चैन कायम करने की रही है। पाकिस्तान और कनाडा जैसे देश अगर हमें आंख दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें अच्छे से सबक भी सिखाते हैं। और अगर चीन जैसा अड़ियल देश हमसे टेबल पर बातचीत करना चाहता है, समाधान चाहता है, तो फिर हम वो करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको मिलूंगा अगली ग्लोबल रिपोर्ट में।